अभी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, दवाइयाँ थोड़ा सा तो वक्त लेंगी असर करने में। है मैं सद के जाऊँ, समझ रहे? तो ये बता कब आएगा? मैं तो सिर्फ 4 महीने से आऊँ, आपको तो 15 साल से नहीं देखा हुआ। नहीं जा सकता मैं यहाँ से, तुझे पता है इस बात का। और मेरी 2 हफ्ते में शादी। और तेरी शादी तो मारिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस तरह तो कोई टीनेजर भी ना बिहेव करे। एक्चुअली ये सब इतनी जल्दी हुआ। पर मेरा दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है ये करने को, लेकिन मैं नहीं करती। और पता है क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं, एक ऐसी औरत जिसे अपनी ताकत जाहिर करने की जरूरत ही नहीं है, अब वो भी अपने से कमतर को मार के। कोई जरूरत नहीं है, ये होती है असल ताकत सिकंदर। मैं अगर चाहूं ना तो अभी भी कुछ भी कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस काबिल समझती ही नहीं हूं। जब तुम ठीक हो जाओगे ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो जरा जाके भट्टी से मिलना, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक असल मर्द यहां से नहीं, यहां से होता है। मेरे लिए तो तुम नहीं बन सके, लेकिन अपनी माँ और अपनी बेटी के लिए बन जाना। मिल गया जवाब? अब चलें? ठीक है, वो चला जाऊंगा। तुम अगर कुछ कर सकते तो मैं यहां तुम्हारे सामने इस तरह ना बैठी होती। चलो, इतना एहसान करती है तुम पे, चंद दिन और ही सही। रिजवान, तुम भी कमाल करते हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने मुझे खुद कॉल की थी कि मिशेल से इतने दिन से बात नहीं हो रही है, और मारिया इतनी परेशान थी तो इसी ध्यान में मेरे मुंह से निकल गया। It was supposed to be a surprise. I know. और मुझे तो कब का पता था, अगर पता ना होता तो पहले ना बता देता। वो तो मारिया की परेशानी सुनकर गलती से मेरे मुंह से निकल गया, वरना मैं क्यों बताता? No, I guess not. I'm so sorry. तुम क्यों सॉरी कह रही हो? गलती तो मेरी है, बहन मेरी है, और मैं भी तो उससे छुपा रही थी। उसने बहुत डांटा है मुझे। बहुत नाराज हो रही थी, I can't tell you. पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। हाँ ये तो है, अब तुम खुद जिक्र कर रही हो तो I must say कि मैं भी काफी सरप्राइज था तुम्हारे सरप्राइज वाले आइडिया पे। नहीं, मेरा आइडिया नहीं था, जमशेद का आइडिया था। I'm going to make myself some coffee. पूरा 1 घंटा लगा है मुझे उसे pacify करने में। Sure. Okay, talk to you later. Bye. जी समा जी। ओ, जावेद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। और घर पे सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो मुझे पिस्तौल वाली बात पर आपका शुक्रिया अदा करना था, भट्टी साहब ने बता दिया था मुझे। नहीं जी, कोई शुक्रिया की बात नहीं है, बस भट्टी साहब की तो हमारी जान भी हासिल है, और आप तो सॉरी। नहीं, इट्स ओके। जैसे एक बात कहूँ जी, मायना करना है। नहीं नहीं बोले। बड़ी बात है कि आप इस आदमी के लिए ना अभी तक इतनी तकलीफें उठा रही हैं,
मैं उस आदमी के लिए नहीं, उस रिश्ते से जुड़े हुए लोगों के लिए उठा रही। ये भी है, ये काम जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी साथ नहीं छोड़ा, और एक तरफ शमशेर जैसे लोग हैं जो अपनी नानी की हालत के बावजूद भी अपनी शादी का प्रोग्राम बना कर बैठे हुए हैं। मैं समझी नहीं, कैसी हालत? खैर बात करें, क्या हुआ? क्या होना था, मारिया ने कह दिया कि अगर उसके बगैर शादी होगी तो फिर लंदन आने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाय। देखें, मैं आपके लिए लाया आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें। मारिया का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? बहुत नाराज थी मुझसे, मुझसे होना भी चाहिए, मेरी वाइड फैमिली है इस पूरी दुनिया में। आपका कसूर नहीं? बिल्कुल मेरा कसूर है, मैं अपने एक्साइटमेंट में इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मैंने सोचा भी नहीं कि उसको बताना कितना जरूरी है। आइडिया तो मेरा था ना। बट आई एग्रीड विथ यू ना, बहन तो वो मेरी है, सही कह रही थी। आजकल मैं इतने बचकाना तरीके से बिहेव कर रही हूं। सर प्लीज, ज्यादा स्ट्रेस आउट मत। कैसे ना हूं, बल्कि अच्छा है कि स्ट्रेस हो, मुझे नई आदत मुझे इस किस्म के हालात की, और स्ट्रेस में मैं ज्यादा बेहतर सोच सकती हूँ। अब ये कहां की लॉजिक हुई? पता नहीं। खैर बात करें, क्या हुआ? क्या होना था, मारिया ने कह दिया कि अगर उसके बगैर शादी होगी तो फिर लंदन आने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो उसने वो मजाक में कह दिया होगा। पता नहीं। वैसे उसे अचानक पता कैसे चला? रिजवान से बात हो रही थी, गलती से उसके मुंह से निकल गया। वैसे उस बेचारे की भी गलती नहीं, वो ऐसी शर्मिंदा हो रहा था, उसको पता तो चलना था ना किसी न किसी तरीके से। नासी, बेचारे के मुंह से निकल गया। आपने अम्मी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता मैं आपको? क्या मतलब क्या बताते? मैं आपसे अपनी हर बात शेयर कर रही हूँ और आप मुझे अपनी तकलीफें नहीं शेयर कर पा रहे। वो किस किस्म का रिश्ता है हमारा? वन साइडेड। आपने मुझे वो बात भी नहीं बताई थी कि घर छोड़ दिया। अब पहले ही बहुत परेशान है मैं, क्या आपको मजीद परेशान? अब छोड़ दें इस तरह की थिंकिंग, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि एक हद से ज़्यादा की टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया है मैंने, सिर्फ खुशियाँ समेटने का तो नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं? ऐसा तो ना करें प्लीज। जब सब कुछ ठीक होने लगा ना, नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो मत कहें, बिल्कुल मिल पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? वहाँ सारा खानदान है, वो ध्यान रखेगा उनका। जावेद ने जेद के बारे में बताया था मुझे। शेर से इतना प्यार करती
अपने लाडों से पाला मैंने, अब वो भी नहीं जा सकता पाकिस्तान। शादी है ना उसकी, अजीब जमीन है ये, जो भी यहां पे कदम रखता है ना बदल ही जाता है। जब जरूरतें बन जाती है ना, जमीर भी उनके तले दब जाते। सुबह से चल चल पागल हो गया। बस करेंगे सब, रोना बंद करो। बहुत बुरा लगता है रोते हुए। नहीं हाँ, आप रोते रहेंगे तो मैं रो दूंगी। मैं रोते हुए जैसी लगती हूँ ना, आप नहीं जानते। अम्मी देखें कौन आया है। जमशेद आया। जमशेद नहीं नानी, नादिर, जमशेद का दोस्त। नादिर बेटा क्या हाल है तेरा? वो नहीं आई? नहीं, अस्मा घर पर है, मैं काम से ही सीधा आ रहा हूँ, उसे भी लाऊंगा। बेटा जमशेद से बात आप बात करने की कोशिश ना करें। नानी आप आराम करें, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। इनकी तबीयत तो काफी ज्यादा खराब है। हाँ बेटा बस दुआ करो। और जमशेद के वापस आने का क्या बना? वो मैंने तो सुना उसने वहां शादी कर ली है। शादी? हाँ, तो हमें सोच सोच के निढाल हो रही है। अब मैं यहाँ अकेला क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रेंजर से शादी करना चाहती नहीं, करने जा रही है दो हफ्ते में। दो हफ्ते बहुत टाइम है मेरे दोस्त, बहुत टाइम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा हुआ काशिफ के तुम आ गए, पिछले दिनों तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हुई। जी खाला, मैंने भी बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है। मुश्किल वक्त तो था, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी हमें। लेकिन खाला अल्लाह का शुक्र है कि सिकंदर की जान बच गई। बड़ी दुआएं मांगी थी मैंने उसके लिए। I couldn't sleep for nights. अच्छा बेटा तुम दोनों भाई बातें करो, मैं जरा कुछ खाने का देखती हूँ तुम लोगों के लिए। सिकंदर यू ओके ना? हमारे एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई हैड टू रन, चार मुख्तलिफ स्टेट चेंज करने पड़े मुझे। अच्छा, होने तो क्या, पहले वो गन, दूसरे जुए वाले। खाला बताई थी कि वो इशू रिजॉल्व हो गया है। हाँ अब तो हो गया, थैंक गॉड। बड़े डेंजरस लोग हैं वो, मैं यहाँ पे होता ना तो उनकी जान ले लेता। बड़ा बगैरत आदमी है तू, ना सब कुछ होने के बाद भी तू यहाँ पर बैठा है। भाई भाई कौन सा भाई? कोई भाई नहीं हो तेरा, मैं समझा तू तेरा भाई कहा? तो कहा था तू जब मैं सड़क पर मर रहा था, या वो हुंडे मेरे घर में घुसाए थे, बता कहा था तू, बता। क्या क्या हो क्यों रहा है? वहां चुप कीजिए आप, बहुत हो गया। कोई भाई नहीं हो मैं तेरा, समझे? मुझे मरने के लिए छोड़ गया और अब मासूम चेहरा लेकर वापस आ गया। खाला जी क्या क्या बता, क्या खाला जी, किस किस को मारेगा तू, किस किस को ठीक करेगा तू? जीना होती ना हम जेल में पड़े हुए सड़े होते, और उन्होंने तेरे ऐसा हाल किया होगा कि तू किसी गटर में पड़ा हुआ होता। लेकिन मैं तो हूं, लेकिन मेकिन नहीं है, निकल जा यहां से। और इस घर की तरफ तुमने आग उठा के देखा ना, आंखें खा लूंगा तेरी, निकल जा यहां से, गेट आउट। ठीक है जा रहा हूं मैं। मैंने
मैं इस बंदे का नाम भी नहीं सुनना चाहता इस घर में आज से। मर चुका है मेरे लिए। Everything okay? कैसे हो? मैं ठीक। क्यों बैठे हो? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी थी, खड़े खड़े कर लेते हैं। ओके, क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, ना ही मैं कोई बच्चा हूं, ना ही तुम इतने मासूम। तुम ही जानते रहो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, तुम बच्चे तो हो नहीं, इसका तो अंदाजा मैं लगा सकता हूं। फिर तुमने मारिया को क्यों बताया? अच्छा अच्छा, इस बारे में बात कर रहे हो। वो तो मैंने मिशेल को बताया था। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग? वाओ। हाँ, क्यों यकीन नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर मैं यकीन कर सकता हूं कि मिशेल एक 4 महीने पहले मिलने वाले स्ट्रेंजर से शादी करना चाहती है, तो बेहतर होगा। तुम्हारा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है रिजवान? नहीं यार, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मिशेल ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर मुझसे शादी करने का फैसला किया, इसलिए तकलीफ हो रही। हाँ, वैसे तुम जैसे आदमी से इस किस्म की बात एक्सपेक्ट कर सकता हूं, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। लेकिन एक बात मैं क्लियर करता चलूं, मुझे अफसोस नहीं है इस बात का कि मिशेल ने मेरे प्यार को ठुकराया। अफसोस इस बात का है कि इस पूरी दुनिया में उसे सिर्फ तुम ही नजर आए। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे बड़ी गलती नहीं जो मिशेल करने जा रही है। मिशेल ने तुम जैसे रईस सेटल्ड बैंकर को छोड़कर मुझ जैसे ऑड जॉब्स करने वाले सेल्फ मेड मैन को चूज किया। क्या तुम इसी की जलन खाई जा रही है रिजवान? वो सेल्फ मेड और ऑड जॉब्स करने वाला जो फ्रॉड के जरिए एक मासूम औरत को फंसा रहा है। तुम साले इंडियन, कभी किसी पाकिस्तानी की कामयाबी पर खुश नहीं हो सकते। फिर छोटी बात। देखो यार, हम दोनों यहां बॉर्डर पे तो खड़े नहीं है कि तुम इस तरह के डायलॉग्स मारो कि लोग तालियां बजाएंगे। शुक्र है कि मैं हिंदू नहीं हूं, ना जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचते। तो बात जहां तक है वहीं तक रहने दो। ओके, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बता रहा हूं, क्योंकि वो जो लॉयर इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, आखिर में वो भी नहीं बचा पाएगा। कौन लॉयर? क्यों झटका लग? शादी कर लेते हैं, 2 हफ्ते में कर लेते हैं। मारिया को सरप्राइज देंगे। रजिस्ट्रेशन डेट भी ले ली और पीछे इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर भी लग गए हैं, और वो जो 6 महीने का वीजा एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर लो। प्लान अच्छा है यार, अगर शादी हो तो। तो गुड नाइट, मुझे सोना है यार, कल सुबह नौकरी के लिए उठना है। वो नौकरी जो 16 साल मेहनत करके कमाई है, 16 हफ्ते ड्रामा करके नहीं। मैंने फैसला कर लिया, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ हमेशा हमेशा। जी आप तो
क्या सिकंदर ने कैश को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ कसम से। पता नहीं यार, मुझे ये सब भी ड्रामा लगता है। क्यों? कि तुम्हें याद नहीं है सिकंदर ये सब पहले भी कर चुका है। हाँ लेकिन इस बार बात कुछ और है। इस दफा वाकई मुझे उसमें तब्दीली नजर आ रही है। अगर अकलमंद होता तो तब्दील हो जाता। आई मीन उसे ऑलमोस्ट एक नई जिंदगी मिली है। हाँ पता नहीं, पार्क पे भी मुझे उसकी आंखों में शर्मिंदगी और अजीब सी हार नजर आई। आई होप सो, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे उस आदमी पे कभी यकीन नहीं आएगा। और जिन हालात में तुमने उसका ख्याल रखा है, आई मीन तुमसे नजरें मिलाने से पहले उसे 10 बार सोचना चाहिए। वो अब ये सब ड्रामे क्यों करेगा आलिया? मेरे पास तो उसको जेवर तक देने को नहीं है। हाँ जेवर नहीं, लेकिन तुम खुद तो हो ना उसका पेट पालने के लिए। And I'm warning you, Salma. खबरदार जो तुम उसकी बातों पे इम्प्रेस हुई। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा भट्टी साहब का क्या हाल है? बहुत परेशान है वो। उनकी वालदा अस्पताल में दाखिल है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। Oh, I'm so sorry. वो वहाँ जा भी नहीं सकते। अगर सिटीजनशिप मिलने से पहले चले गए तो वापस इस मुल्क में नहीं आ पाएंगे। और ईमान को बताया? वो भी बार बार मुझसे यही पूछते हैं। ऑब्वियसली यही पूछेंगे, इतना इंतजार कर चुके हैं बेचारे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह ईमान को बताऊँ, इतना यकीन करती है वो मुझ पे। हाँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसी तरह सफ़र करती रहो। तुम्हें भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। तुम्हारे ख्याल से शादी के बाद सिकंदर मुझे ईमान से मिलने देगा? हाँ क्यों नहीं मिलने देगा, एंड ईमान इज़ आल्सो अ ग्रोन अप। ईमान रुको, ईमान ईमान अब चली जाए यहाँ से, आपने मुझसे झूठ बोला था। ऐसा नहीं है बेटा, सब ठीक कह रहे थे। यू आर हैविंग एन अफेयर विद भट्टी अंकल एंड आई हेट हिम। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो क्या है ये सब, क्या है? ईमान, he proposed to me. Proposed? आप already शादीशुदा हैं। हाँ, I know, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने लगा है। Haven't you seen daddy? उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, and you know that. I hope so, बेटा, लेकिन But I know, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि वो बदल गए। उन्होंने कैश के साथ क्या किया? मामा प्लीज, हमारी फैमिली नॉर्मल होने जा रही है। ईमान मेरी बात, आपको मेरी कसम, प्लीज डैडी को एक और चांस दे दे, प्लीज डोंट गिव अप ऑन अस। ईमान ऐसा तो मत करो ना मेरे please, साथ। प्लीज आई बेग यू, आई बेग यू। ओके 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 चला, कुछ नहीं होगा। ओके कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, नाजर बोल रहा हूँ। हाँ नादिर। नादिर भाई कराची से? हाँ हाँ बोलो। हाँ वो नानी से मिलने गया था मैं हॉस्पिटल। हाँ काफ़ी तबीयत ख़राब है ना उनकी। हाँ तेरा बहुत पूछ रही थी, तू आ रहा है? नहीं मैं अभी ज़रा फंसा हुआ हूँ। देख नानी की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। हाँ मैं जानता हूँ, इस वक्त तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, शादी तो बाद में भी हो सकती है। अजीब बात है ना, ये बात वो इंसान कर रहा है जिसने खुद की शादी करने में जरा सा भी टाइम नहीं लिया। देख मैं पुरानी बातों में नहीं उलझना चाहता, नानी को बचपन से जानता हूँ, उनकी तबीयत खराब देगी तो तुझे फोन कर दिया। दोस्ती के तहत ही फोन किया ना, तो वो भी पुरानी बात ही है। इंसान को इतना खुदगर्ज भी नहीं होना चाहिए, मैं तो तुझसे इंसानियत के नाते अपील कर रहा था। तो ना कर, तू क्या समझता मैं आराम से बैठा हूँ? जो चाहे मुझे बूट आकर पाकिस्तान जाने के लिए कह दे। इसलिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्या जरूरी है क्या नहीं। तुझे ही तो बताने की जरूरत है, काश तुझे खूनी रिश्तों की अहमियत का पता होता। जा अपनी नानी की मौत पे अपनी शादी की खुशियां बना। अबे चल तू जा यहां से, बड़ा आया गैरतमंद, नहीं आऊंगा वापस जब तक अमेरिकन नहीं बन जाता, समझा? और वापस आकर एक एक के मुंह पे पासपोर्ट मारूंगा। इकबाल भाई कैसे हैं आप? इमरान, इमरान क्या बात है इकबाल भाई, खैरियत है? अम्मी क्या हुआ? अमित 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 कोमे में चली गई है। तो है क्या हुआ है?
यार अम्मी अम्मी घर में तो चली गई। अल्लाह ख्याल करे। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहना है, कोशिश ही कर सकते हैं, करने वाली तो लग ही जाती। अजीब इम्तिहान में डाल लिया, क्या हिम्मत करो भाई यार, क्या हिम्मत करो। इस वक्त हिम्मत रखिए, मेरी सारी प्लीज तेरे इस वक्त हिम्मत रखिए, अल्लाह क्या करेगा। अच्छा हुआ आपने मिलने के लिए बुला लिया, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अम्मी जी कमरे में चले गए। क्या इकबाल भाई का फोन आया? सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, बस फिर अचानक कर रहे हैं कोशिश डॉक्टर जी, अपनी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या कह सकते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ हमेशा हमेशा। जी आप तो जी पता है मुझे, पता है मुझे कि मैं अगर चला गया तो वापस नहीं आ सकूंगा, लेकिन अगर मैं ना गया ना तो फिर सारी जिंदगी वापस जाने के लायक नहीं रहूंगा। ये क्या है? आपकी टिकट है। टिकट? ये मुल्क हमारे रहने के लिए नहीं है, हम दोनों जहां भी होंगे अपनी दुनिया खुद ही बना लेंगे। जानता हूं कि ये सब मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन यहां रहकर मैं आजमा तो लिया है। मैं इतनी जल्दी तो ईमान तो कब तक आप ईमान का इंतजार करती रहेंगे हैं? मुझे जाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ईमान को समझाना और ईमान का सोच रही है, मेरा नहीं। पाकिस्तान जा रहा हूँ हमेशा हमेशा, फैसला कर लूँ। मेरे साथ जाना है अपनी जिंदगी में वापस। वो शादी पे आना चाह रही है लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही, तो वो कह रही थी कि अगर 2-3 हफ्ते हम डिले कर लें। क्या मैं कर देती हूँ।
नहीं खैर, वैसे ही फारिग बैठा हूँ। अभी अभी चलना शुरू किया है, टांगों पे जोर ना डालें, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, दर्द हो गया तो बैठ जाऊंगा। नाश्ता बना रहा, खाओगी? नहीं। माँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, लेकिन लेकिन तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुमने उस दिन जो पार्क पे बात की थी ना, बिल्कुल ठीक थी। रियली? एहसास हो गया आपको? इतनी जल्दी? सना, मैं सच कह रहा हूं। आपको याद है आपने पहली दफा मुझे कब थप्पड़ मारा था? आठ साल पहले। और आपका आठ दिन में बदल जाना, ये बात यकीन नहीं कर सकती मैं। सलमा प्लीज मेरी बात मान लो, इस नॉट जेवरात लेने के लिए भी आपने कुछ इसी तरह का रूप ढाला था। भूली नहीं हूं मैं। रेस्टोरेंट मैंने फोन किया था, कह रहे थे कि तुम आज देर से आओगे। खैरियत? हाँ खैरियत, वो मैं रात को देर तक अकाउंट्स कर रहा था, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। फीलिंग ओके? या आई फील फाइन। बैठा। मारिया का फोन आया था। मारिया का? क्या कह रही थी? वो शादी पे आना चाह रही है लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही। तो वो कह रही थी कि अगर दो तीन हफ्ते हम डिले कर लें। क्या? शी रियली वॉन्ट्स टू कम, बट आई टोल्ड हर कि मैं तुमसे जरूर डिस्कस करूंगी। वैसे भी मैं सोचूं कि ये टाइम जरा अजीब नहीं है कि तुम्हारी नानी की भी तबीयत सही नहीं है, मारिया भी नहीं आ सकती। मे बी इट्स अ साइन। देखो इतनी मुश्किल से उसकी नाराजगी दूर की है, अगर हम ये भी नहीं कर सकते उसके लिए तो सारी जिंदगी उसने मुझे ताने देने, एंड बिलीव मी उसके ताने बड़े कंसिस्टेंट होते हैं। ओ, रिजवान वेट कर रहे हैं मेरा। रिजवान? हाँ, रेस्टोरेंट पे बुलाया उसने मुझे। क्यों? पता नहीं, कह रहा था फारिग हो तो आ जाना। कोई खास काम जिसके लिए बुलाया? आई एम नॉट श्योर, वहीं जाके पता चलेगा। एनीवे यू टेक केयर। हाँ, आई विल सी यू लेटर। सी यू। दाफिस। क्या भट्टी साहब, बड़ा मिस करूंगा। आप जा रहे हैं और ऐसे कि फेयरवेल तक मौका ही नहीं दे रहे मुझे। यार बस रहने दे। और मैं कौन सा कोई अमेरिका में बड़े झंडे गाड़ के जा रहा हूँ जो जाने से पहले खुशी से जश्न मना कर जाऊँ। हैं? जमशेद को इतला दी है? नहीं, वो अपना जवाब पहले ही दे चुका है। माजे से बात करूं, ये जो आपका भांजा है, ये आपका भांजा नहीं लगता। नहीं जावेद, है तो मेरा ही भांजा। बस दुआ कर अल्लाह से कि उसको चीजों को समझने में इतनी देर ना हो जितनी मुझे लगी। यार वैसे ही सोचें कि वहां जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे। यार 15 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना तो बड़ा सोच कर आया था। अब सोच रहा हूँ कि आगे की जिंदगी बगैर सोचे समझे शुरू करते हैं। इसे यार कैथी को मिलेंगे आखिरी दफा? तूने काम करना है,
मुझे वो 2 लाख ही देने हैं, वो बड़े वाले बक्से सूटकेस जो होते हैं सामान के लिए। लेकिन 2 क्यों, आपको इतना सामान तो नहीं है? वो मेरा नहीं है, हो सकता है शर्मा को जरूरत पड़ जाए, पता नहीं किस हालात में आती है वो। ठीक है, लेकिन आपने शर्मा के साथ बात की थी? आ जाएगी वो। चल मैंने वो सामान तो निकाल दे गाड़ी से। Absolutely right. Hi, तुम तो घर पे थे? हाँ, मैंने सोचा कि घर पे बैठूंगा तो बोर ही होता रहूंगा। Good, good. आओ। Hi. Hi. और क्या बातें हो रही थी? नहीं कुछ नहीं, बस मैं मिशेल को कुछ बताने वाला था। क्या बताने वाला? क्या हो गया, मैं घबरा क्यों रहे हो? खैरियत? क्यों तंग कर रहे हो, क्या बताने वाले थे? शादी के राज। तुम जिसकी खुद अब तक मंगनी नहीं हुई। लेकिन राज मेरे पास अभी भी सारे हैं। कॉफी पर चलकर बात करते हैं। आप लोग कहीं जाने वाले थे? He suggested a place round the corner, कॉफी के लिए। तो कॉफी यहीं पी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं। माना कि आप लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बट जो उसकी कॉफी ज्यादा अच्छी होती है, और वैसे भी वॉक हो जाएगी, बात भी कर लेंगे। चल। मैं भी चलता हूँ। Really? हाँ। ओके, गुड। शायद जमशेद नहीं चाहता कि मैं उसकी होने वाली बीवी के साथ अकेले पे जाऊँ, है ना? अच्छा स्टॉप इट, चले चलो। मैम क्या कर रही है? कुछ नहीं बेटा, आ जाओ। बिजी तो नहीं है? नहीं। सुना नहीं जाना आज? नहीं, मैंने कुछ दिनों के लिए ऑफ लिया है। ग्रेट, फिर हम बाहर चल सकते हैं। बाहर कहाँ? मैं सोच रही थी कि मैं आप और डैडी कहीं बाहर चलते हैं, डैडी की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, एंड वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। मेरा मूड नहीं है, लेकिन तुम दोनों चले जाओ। कम ऑन मॉम, आप इतनी मुश्किलों से फ्री होती हैं। ईमान, मुझे बस आपने ही तो कहा था फैमिली बनने का चांस तो दो। आई प्रॉमिस इतनी देर तो नहीं लगेगी। अच्छा चलो, ओके मैं आती हूँ। ओके। एक पाकिस्तानी है, ऑन विजिट वीजा पर आया, लीगली काम कर रहा, तुझे तो बचाने वाला भी कोई नहीं मिलना। और ये कब कर रहे हो रिजवान? चलो फिर कल एयरपोर्ट पे मुलाकात होती, आओगे ना? मैं रख रहा फोन। मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ, ये जुल्म मत करना, तुम मत जाना। आप ये घर क्यों छोड़ के जाएंगे? बाहर से तो मैं आई हूँ ना,